तो भाई लोग कैसे हो, स्वागत है आपका एक और क्लैश ऑफ क्लैंस की एक और वीडियो में। अरे एक बार तीन बार क्यों बोल दिया यार, ये तो हैट्रिक लगा दी भाई तुम्हारे भाई ने एक और बोलने की। वाह, इस पर तालियां बजनी चाहिए। तो यार अभी लिख दो कमेंट सेक्शन में ओपी। अरे इतनी चीज़ के लिए ओपी, अबे क्यों लिखने भी चले गए यार यार, कैसे मतलब तालियों के लिए ओपी। अरे ज़्यादा नहीं हो रहा, तो चलो यार आता हूँ मेन टॉपिक पे, है ना। तो भैया मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ एक टाउन हॉल 13 की एक यटी के साथ केडीसी अटैक सटैटर जी। तो भैया उसके लिए बने रहना होगा आपको इस वीडियो में, है ना। तो मैं टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करता हूँ। तो यार अगर आप चैनल पे न्यू हो तो भाई कर दो चैनल को सब्सक्राइब और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। मैं दो मिथबस्टर वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपका रिस्पांस अच्छा आएगा तो मैं तीसरी भी बनाऊंगा। तो अगर आपको मिथबस्टर में वीडियो में पार्ट लेना है तो भाई अभी मिथबस्टर वीडियो पे जाओ पार्ट टू पे, और उसके नीचे अपनी मिथ कमेंट कर दो जो भी आपकी मिथ है, मैं उसे मिथबस्टर पार्ट थ्री में लूंगा उस मिथ को, है ना। तो चलो यार चलते हैं अब अपने मतलब वॉरलॉक की तरफ। तो यार ये नंबर तीन पे हमारे अल्फा भाई ने किया था अटैक। तो भाई लोगों जैसा कि आप आर्मी देख सकते हो, एक आर्चर, एक जाइंट, पांच हीलर और आठ यटी, चार आइस गोलम, एक सीख बराक और अपना किंग क्वीन और ये अपना रॉयल चैंपियन, एक रेज, एक जंप, दो फ्रीज, एक पॉइजन और चार अर्थक्वेक और एक रेज स्पेल है ना। तो ये जैसा कि आपने देख लिया ये सब यहाँ का ट्रूप कॉम्बो, आप इसी कॉम्बो को यूज़ कर सकते हो या इससे डिफरेंट भी आप जो कॉम्बो है उसे आप यूज़ कर सकते हो। तो अब अटैक स्टार्ट होता है यहाँ पे क्वीन वॉक के साथ। तो हमारे बेस के लेफ्ट साइड से अपनी क्वीन वॉक करती हुई चलती है और इसी के साथ पहले थोड़ा सा फनल क्रिएट किया जाएगा, उसके बाद और ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जाएगा। जो हमारे अर्थक्वेक स्पेल हैं वो आएंगे बिल्कुल मिडल में साइड से, मतलब राइट साइड से छोड़ दिया अपना सीख बराक जिसमें से निकला पैका और विजार्ड। और ये तो राइम कर गया यार, वाह इस राइम का तो सब्सक्राइब बनता ही है यार, कर देना, है ना। बीच में आए अर्थक्वेक स्पेल, पीछे से आई अपनी रॉयल चैंपियन और फिर अपना स्पेल्स को डाला गया ट्रूप्स के हिसाब से। पर जो वो है क्या कहते हैं, एक रेज स्पेल वहाँ दे गिरा गया क्योंकि भाई इन्फर्नो को तो निकालना है ना, इन्फर्नो नहीं निकालेंगे, विजार्ड टावर नहीं निकालेंगे तो भैया ट्रूप्स की तो वाट लग जाएगी, है ना, सही बात कह रहा हूँ ना। तो इसी वजह से छोड़े गए आगे थोड़े ट्रूप्स और पीछे से अपने ग्रैंड वार्डन आ रही है जिसे बुढ़ा कहा जाता है, जो कि है भी बुढ़ा, है ना। तो इसी के साथ आगे हमारा बढ़ रहा है और ये जो फ्री स्पेल है उसे आपको डिफेंस के हिसाब से यूज़ करना है। अगर सिंगल इन्फर्नो है तो आप यूज़ कर सकते हो, या अगर विजार्ड वगैरह है उसी के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। लेफ्ट साइड से अपनी क्वीन आगे बढ़ती हुई और बीच से पूरा का पूरा बेस खा लिया है यटी ने, आइस गोलम ने और अपने हीरोज ने। तो अब ज़्यादा कुछ इस बेस से बचा नहीं है। तो ये एक ईजिली थ्री स्टार निकल जाएगा और बाकी आप देखते रहिए किस तरह से और थ्री स्टार निकलता है। तो भाई इतना ही आज की वीडियो में, आप कमेंट करके बताना आपको अटैक स्ट्रेटजी कैसी लगी और ये वीडियो कैसी लगी, और आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर देना मुझे अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। इतने आप मेरी और वीडियोस चेकआउट कर लो और भी कैसी लगती हैं आपको। और आज के लिए बस इतना ही भाई, सब्सक्राइब याद से कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय गाइस।